This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from the internet or any book or any documentary which is available for public. Hello guys, welcome or welcome back to my channel Kahani Haridwar Se. आज मैं आपको डेविड एंड लुइस टर्पिन की स्टोरी सुनाने जा रही हूँ, जो कि जिनका घर हाउस ऑफ हॉरर्स के नाम से भी मशहूर है. तो ये फेमस केस है अमेरिका के डेविड एलन टर्पिन और उनकी पत्नी लुइस एन टर्पिन का. डेविड एक कंप्यूटर इंजीनियर हुआ करते थे, अच्छे खासे पढ़े लिखे थे और एक अच्छे कंप्यूटर इंजीनियर थे. ये अपनी पत्नी लुइस से प्रिंसटन हाई स्कूल में मिले, यानी कि इनका जो लव अफेयर था वो हाई स्कूल में ही शुरू हो गया था. इन्होंने 1985 में वर्जीनिया में जाकर शादी कर ली एक दूसरे से. उस समय डेविड की उम्र 23 वर्ष और लुइस की उम्र 16 वर्ष थी. ये लोग क्रिश्चियंस के किसी ऐसे वर्ग से थे जो कि मानते थे कि जितने बच्चे हमें भगवान देता है उतने बच्चे स्वीकार करने चाहिए, यानी कि बच्चे आने में कोई रोक नहीं लगानी चाहिए. इस मान्यता के अनुसार उन्होंने 1988 से 2015 के बीच 10 बेटियों और 3 बेटों को जन्म दिया. अब इन बच्चों के साथ उनका क्या व्यवहार था, उन्होंने उनके साथ क्या व्यवहार किया, क्या सलूक किया, इसकी सीसीटीवी फुटेज और पिक्चर्स मैं आपको आगे दिखाती हूँ. ये परिवार 1999 तक टेक्सास में रहा, फिर वो रियो विस्टा में चले गए. वो उन्होंने छोड़ दिया टेक्सास और रियो विस्टा शिफ्ट कर गए. उनके घर के अंदर क्या होता था इसकी जानकारी उन्होंने किसी को भी नहीं दी, उसके बारे में किसी को भी ज़्यादा पता नहीं था. यहाँ तक कि रिश्तेदारों को भी वो लोग अपने बच्चों से नहीं मिलवाते थे. उनकी बहन ने बताया, यानी कि लुइस की बहन ने बताया कि शुरू शुरू में वो लोग स्काइप से अपने बच्चों से बातचीत कराते थे, लेकिन जब उनकी बहन टोकने लगी लुइस को कि उनके बच्चे काफ़ी कमज़ोर दिख रहे हैं, काफ़ी छोटे दिख रहे हैं, तो धीरे धीरे उन्होंने स्काइप कराना भी बंद कर दिया. सिर्फ सोशल मीडिया में वो कुछ पोस्ट करते थे अपने बच्चों की फ़ोटोज़ वगैरह, वीडियोज़ वगैरह, उससे ही जो रिश्तेदार थे उन्हें उन बच्चों के बारे में जानकारी मिलती थी. उन पिक्चर्स को देखकर हमेशा यही नज़र आता था कि एक बहुत ही ज़्यादा हैप्पी फैमिली है, बहुत खुशी खुशी रह रहे हैं सभी बच्चे जनरली, और यहाँ तक कि माँ बाप भी एक जैसे कपड़े में पोज करते थे, एक जैसे पिक्चर्स खिंचवाते थे, जो कि आप देख सकते हैं, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ कि किस तरह से वो लोग पोज करते थे और किस तरह से वो बच्चे सबको खुश नजर आते थे. सन 2007 में टर्पिन दंपत्ति ने अपने 10 बच्चों को एक अकेले ट्रेलर में शिफ्ट कर दिया. यानी कि ट्रेलर एक गाड़ी जैसा घर होता है, जो कि एक गाड़ी भी और एक घर भी है, उसमें उन्होंने अपने 10 बच्चों को शिफ्ट कर दिया और सारी जिम्मेदारी उन्होंने अपने बच्चों को ही सौंप दी कि अब अपना ध्यान तुम्हें खुद ही रखना है. उस समय उनके 12 ही बच्चे थे, तो जो छोटे 2 बच्चे थे उन्होंने अपने पास रखा, उसकी देखभाल वो जो करते होंगे करते होंगे, बाकी बच्चों को अपनी देखभाल खुद करनी थी. और अपने उन 2 बच्चों की भी उन्होंने कितनी देखभाल की ये बाद में दुनिया को पता चली गया. उनके पास कोई पैसों की कमी नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी वो हफ्ते में केवल एक बार राशन लाते थे, जो सभी को पूरा नहीं पड़ता था. अपने आप तो वो अच्छी तरीके से खाते थे, आप इनकी सेहत देख सकते हैं फोटोग्राफ्स में कि किस तरह से सेहतमंद थे, लेकिन उनके बच्चों की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी. वो उनको ठीक से खाना खाने के लिए नहीं देते थे, वो राशन उनके बच्चों के लिए पूरा नहीं पड़ता था. उनके सारे बच्चों के नाम जे से शुरू थे. जब उन्होंने रियो विस्टा का घर छोड़ा, तब बाद में उनके पड़ोसियों ने बताया मीडिया को कि उनके घर के अंदर इंसानी मल पड़ा हुआ था, गंदे बिस्तर पड़े हुए थे, मरी हुई बिल्लियाँ मिली और कूड़े के ढेर मिले. जब भी उनका घर हैंडओवर करने आया रियो विस्टा का, उसने लोगों को बुलाकर दिखाया कि ये कितने गंदे तरीके से रहते थे, और बाद में इन पड़ोसियों ने बयान भी दिए कि हाँ वो बहुत ज़्यादा गंदे तरीके से रहते थे. अंदर उन्होंने जो बिस्तर छोड़े थे, जो कि बिल्कुल ख़राब स्थिति में थे, उन बिस्तरों पर जो हैंडल्स होते हैं उनमें रस्सियाँ बंधी हुई थी, ऐसा लगता था कि उसमें किसी को बांध कर रखा जाता था. 2014 में टर्पिन परिवार ने कैलिफोर्निया में शिफ्ट कर लिया. वहाँ के उनके पड़ोसियों ने नोटिस किया कि उनके बच्चे बहुत ही ज़्यादा शांत रहते थे, और पड़ोसियों ने यह भी बताया, एक्चुअली वहाँ पे घर बहुत दूर दूर होते हैं, तो जो पड़ोसी का घर था वो भी काफ़ी दूर ही था, लेकिन दिखता था दूर से. तो पड़ोसियों ने बताया कि जब हम दूर से देखते थे तो इतना बड़ा परिवार था, यानी कि 13 बच्चे हो गए थे तब तक, बाद में उनके धीरे धीरे, तो 13 बच्चे थे और माँ बाप थे, लेकिन उसके बाद भी वो बच्चे बाहर कभी नज़र नहीं आते थे, कभी भी उनके घर से हल्ले गुल्ले की आवाज़ नहीं आती थी, बच्चे कभी बाहर आके बहुत ज़्यादा खेलते नहीं थे, उनके बच्चे बहुत ही कम बाहर दिखते थे. इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि उनके बच्चे बहुत ही ज़्यादा बीमार और कुपोषित दिखते थे, यानी कि उनकी सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब थी. वो अपने परिवार को लेके लास वेगास, डिज्नीलैंड वगैरह भी घूमने गए, और इसके अलावा भी वो कई जगह घूमने गए, और उन पिक्चर्स में वो बहुत ही हैप्पी फैमिली दिखते थे, और इन पिक्चर्स को उन्होंने सोशल मीडिया में काफ़ी पोस्ट भी किया, जिसपे काफ़ी सारे लाइक्स एंड कमेंट्स आए. अब ये परिवार ओक्लाहोमा जाने की प्लानिंग कर रहा था, यानी कि परिवार तो क्या प्लानिंग कर रहा था, माँ बाप प्लानिंग कर रहे थे कि अब हम यहाँ से ओक्लाहोमा चले जाएंगे. लेकिन टर्पिन परिवार के बच्चे
जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान थे। क्यों परेशान थे, मैंने आपको बताया कि उन्हें खाना भी पूरा नहीं मिलता था, इसके अलावा भी मैं और बातें भी आपको आगे चल के बताऊंगी। तो जो टर्बिन परिवार के कुछ बच्चे थे वो यहाँ से बचने की योजना 2 साल से बना रहे थे कि हम अपने माँ बाप से कैसे बचें, यहाँ से कैसे भागें, इस तरह की वो बातें अब करने लगे थे। क्यों करने लगे थे, क्योंकि कई सालों से, यहाँ तक कि कह सकते हैं कि बचपन से, टर्बिन दंपत्ति अपने बच्चों को कैद में रखे हुए थे। जब बच्चा पैदा होता था कुछ समय के बाद ही वो उसके साथ दुर्व्यवहार शुरू कर देते थे। इसके अलावा दिन में 20 घंटे जो बच्चे थे उन्हें उनके कमरे में ही रखा जाता था, और वो भी बांध कर। वहाँ पे मोटी मोटी चेनें मिली, ताले मिले, रस्सियाँ मिली, जिससे वो अपने बच्चों को दिन में 20 घंटे उनके बिस्तरों से ही बांध कर रखते थे। बिस्तरों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ज़्यादा गंदे थे, बदबू आती थी। ज़्यादातर उन्हें बच्चों को बंद करके, और इसके अलावा अगर बच्चे कुछ भी शैतानी करते थे, उनकी बात नहीं मानते थे, तो उन्हें बहुत ख़तरनाक सजाएँ दी जाती थी। बच्चों ने यह भी बताया है कि अगर हम बात नहीं मानते थे तो हमें उठा उठा कर कमरे के एक कोने से दूसरे कोने पर फेंक दिया जाता था। इस तरह की खतरनाक सजाएं दी जाती थी। बच्चों को दिन में सिर्फ एक बार खाना दिया जाता था, और कहा जाता है कि अपने बच्चों को टॉर्चर करने के लिए नए नए खिलौने लेकर आते थे, और कई नए सारे खिलौने जो कि खुले भी नहीं हैं, बहुत सारे खिलौने जिनके आप पिक्चर्स भी देख सकते हैं वो पैक्ड हैं, उनको बच्चों के सामने रखा जाता था लेकिन उन्हें खेलने की परमिशन नहीं मिलती थी। ये वो अपने बच्चों को टॉर्चर करने के लिए करते थे। उन्हें पता नहीं क्या मजा आता था अपने ही बच्चों को टॉर्चर करने में, जबकि वो उनके सगे बच्चे थे। इसके अलावा उनके बहुत सारे शुरू शुरू में पालतू जानवर भी थे जो कि इस गंदगी का शिकार होकर मर गए। वो तो इंसान किसी तरह पता नहीं कैसे जी रहे थे उनके बच्चे, उनके पालतू जानवर भी इस गंदे माहौल में जी नहीं पाए, और धीरे धीरे करके उनके सारे पेट एनिमल्स मर गए। वो क्या करते थे, उनके बच्चों ने बताया कि जो उनका पेट डॉग था, कुत्ता जो अभी भी जीवित था, उसके लिए लुइस सुबह सुबह उठकर ब्रेड और जैम तैयार करती थी। कभी कभी डेविड भी ब्रेड और जैम तैयार किया करता था कुत्ते के लिए। उसके बाद वो सारे बच्चों को इकट्ठा करते थे, कुत्ते को भी इकट्ठा करते थे, एक साथ जमा करते थे, और कुत्ते को अपने बच्चों के सामने ब्रेड जैम, बटर जैम और अच्छी अच्छी चीज़ें, ऑमलेट वगैरह बनाकर खिलाया करते थे, और अपने बच्चों को कुछ भी नहीं देते थे। उनके बच्चे बिल्कुल भुखमरी से मरने की कगार पे थे। बच्चों को पता था कि अगर हम ओक्लाहोमा जाएंगे तो हम वहाँ पर अब जीवित नहीं रहेंगे, इसीलिए वो भागने की योजना बहुत तेज़ी से बनाने लगे थे। लेकिन उन्हीं मरते हुए बच्चों के सामने वो अपने कुत्ते को ब्रेड जैम खिलाते थे और उन्हें मेंटली टॉर्चर करते थे। साल में सिर्फ एक बार बच्चों को नहाने की परमिशन थी। उनके बच्चों के पास से इतनी बदबू आ रही थी कि जब उन्हें बाद में रेस्क्यू किया गया तो पुलिस वाले भी उन बच्चों के पास खड़े नहीं हो पा रहे थे, इतने गंदे उन्होंने कपड़े पहने हुए थे और इतनी गंदी बदबू उनके पास से आ रही थी। उनका जो सबसे छोटा बच्चा था वो 2 साल का था, और सबसे बड़ा बच्चा 29 साल का था जो कि एक लड़का था। उस 29 साल के लड़के का वजन यानी कि वेट सिर्फ 37 kgs था, यानी कि एक जो बिल्कुल आदमी हो जाता है 29 साल का व्यक्ति, उसका वजन सिर्फ 37 kg था, और वो ही सबसे ज़्यादा छोटा नज़र आ रहा था उन सारे 13 बच्चों में, जबकि वो सबसे बड़ा था। जो 11 वर्ष का बच्चा था उसकी बाह की परिधि जब नापी गई तो वो 4 माह के बच्चे जितनी मोटी थी, यानी जितना 4 महीने के बच्चे की बाह होती है उतनी मोटी 11 साल के बच्चे की बाह थी। तो सोचिए उनको कितना कम खाना खाने के लिए मिलता था। बच्चों के स्कूल भी नहीं भेजा जाता था, उनको होम टीचिंग कराई जा रही थी। वो घर में ही कहते थे कि हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन बच्चों को बेसिक जानकारी भी नहीं थी। उन्हें मेडिसिन के बारे में, डॉक्टर के बारे में, हॉस्पिटल के बारे में और पुलिस के बारे में भी कुछ पता नहीं था। उन्हें कभी कोई दवाई नहीं दी गई, उन्हें कभी हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया, उन्हें कभी कोई इंजेक्शन नहीं लगा, उनको इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी। पड़ोसियों ने बाद में बताया कि हम कई बार बच्चों को देखते थे कि वो सिर्फ कूड़ा फेंकने के लिए बाहर आते थे, और जब वो कूड़ा फेंकने के लिए एक या दो बच्चे जब बाहर आते थे तो पूरे टाइम कूड़े की पॉलीथीन में झांकते रहते थे, और कई बार पड़ोसियों ने उन्हें उसमें से निकालकर कुछ कुछ खाते हुए भी देखा। तो ये माना जा रहा है कि शायद वो कूड़े की पॉलीथीन में भी खाना ढूंढते थे कि शायद कोई खाने की चीज़ मिल जाए, और जो भी सड़ा गला जैसा भी उनको खाने के लायक कुछ भी मिलता था तो वो कूड़े की पॉलीथीन से निकाल निकाल के खाते रहते थे फेंकने से पहले। जितने भी इनके घर में अलमारियां थी, किचन में फ्रिज था, या जहाँ पर भी वो राशन रखते थे, उन सब जगह पैडलॉक्स लगाए हुए थे, बड़े बड़े लॉक लगे हुए थे, उनको वो बच्चे खोल नहीं सकते थे। और अगर कोई बच्चा गलती से कोई खाने की चीज़ चुरा के खा ले तो उसकी सजा 13 के 13 बच्चों को मिलती थी। उनको बुरी तरह से टॉर्चर, मारपीट उनके साथ की जाती थी, उनको बांध के रखा जाता था, उनको अकेले कमरे में बांध कर कई कई दिनों के लिए छोड़ दिया जाता था, छोटे छोटे स्टोर रूम से उसमें बंद कर दिया जाता था बिना खाना पानी के कई कई दिन तक। तो इस तरह की भयंकर सजाएं मिलती थी, इसलिए बच्चे डर के मारे कुछ भी नहीं चुराते थे, कोई भी गलत काम नहीं करते थे, अपने माँ बाप को परेशान नहीं करते थे। इन्हीं बच्चों में 17 साल की एक बेटी भी थी उनकी, जिसका नाम था जॉर्डन। उस जॉर्डन को अपने पिता का एक पुराना फ़ोन मिल गया था जो कि ख़राब था, तो जॉर्डन ने वो चुपचाप उठा लिया था और उस पर वो जस्टिन बीवर के गाने सुनती रहती थी। लेकिन एक बार जो उसकी माँ थी लुइस, उसने अपनी बेटी को जस्टिन बीवर के गाने सुनते हुए पकड़ लिया, फ़ोन के साथ पकड़ लिया,
तो उसने उसको कई रातों के लिए एक स्टोर रूम में बांध दिया, बंद कर दिया जैसा कि वो आमतौर पे किया करती थी, और वो फोन अपने कमरे में ले गई। लेकिन एक रात जॉर्डन ने किसी तरह स्टोर रूम को खोला, अपने माँ के रूम में गई, माँ से मोबाइल लेकर वापस स्टोर रूम में। जब वो जा ही रही थी तभी उसको उसकी दो बहनों ने देख लिया। तो जब दो बहनों ने देख लिया और पूछने लगी कि तुम क्या कर रही हो, तो वो उनको लेकर भी स्टोर रूम में वापस गई, और उसके बाद वहाँ पर बैठकर उन तीनों ने वहाँ से भागने का प्लान बनाया। तो जॉर्डन तब तक सब कुछ डिसाइड कर चुकी थी, उसने किसी तरह खिड़की भी खोल ली थी, उसने ये पाया था कि मैं ये खिड़की खोल सकती हूँ। उसने खिड़की खोली और वो तीनों चुपचाप उस खिड़की से बाहर निकल गईं। जब वो बाहर निकल गईं तो वहाँ से किसी तरह वो चलने लगीं, भागने लगीं, लेकिन वो कभी भी इस तरह से अपने घर से बाहर नहीं निकले थे, उनको कोई भी जानकारी नहीं थी, इसलिए वो डर गए क्योंकि बहुत अंधेरा भी था। तो उन तीनों ने डिसाइड किया कि अब हम वापस घर ही चले जाते हैं, हमारा कुछ नहीं हो सकता। तो ये तीनों के तीनों जब घर पे लौटे और उसी खिड़की से अंदर घुसने की इन्होंने प्लानिंग की थी, तो जॉर्डन ने उन दोनों को बारी बारी से उस खिड़की से अंदर चढ़ा दिया। और जब उसकी खुद की चढ़ने की बारी आई तो वो अंदर नहीं गई, उसने खिड़की को बाहर से ही बंद किया और वहाँ से भाग गई। तो वहाँ से भागने के बाद वो पड़ोसी का जो घर था उसी के घर के पीछे जाकर एक कोने में जाकर बैठ गई, और उस खराब फोन से जो कि उसको अपने माँ के कमरे से मिल गया था उससे उसने 911 डायल किया। जैसा कि आपको पता ही होगा कि चाहे कोई भी फ़ोन हो लेकिन उससे इमरजेंसी नंबर डायल हो जाते हैं, इसलिए उसने 911 पे बात की। इसके बारे में आप सुन सकते हैं कि उसने वहाँ पर क्या बात की। Neighborhood. At the house across the street, in the shadows, someone quietly opens a window and slips out. Watch, there. A blurry figure stepping forward, a small, uncertain girl, heading one way. Then she turns, hesitates, and starts to run, clutching an old cell phone. That was my only chance. At least if something happened to me, at least I died trying. 911 emergency, what are you reporting? Hello? This is 911, do you have an emergency? I just ran away from home. Do you know what street you're on? No. I just ran away from home because I was in a family of 15, okay? Can you hear me? And we have abusing parents. Did you hear that? Okay, how did they abuse you? Okay, they hit us, they throw us across, they like throw us across the room. They pull our hair, they yank out our hair. I have my two little sisters right now are chained up. Okay, how old are you? I'm 17. What's your name? Golden Turkin. Okay, I'm gonna connect you to the sheriff's department so that they can help. What? One moment, don't hang up. I won't. A second dispatcher picks up. Hello? Oh, yes, I'm still here. An address. Okay, you got to give me a minute. This is gonna take a while. I've never been out. I don't go out much, so I don't know anything about the streets or anything. The dispatcher tracks her location from the GPS on her cell phone and sends out a request for a police officer. The deputy across town volunteers. He's 14 minutes away. My address is 9 2 5 7 0 5 7 4. Did you get it? Okay, so now you just gave me a whole bunch of numbers. You didn't give me any kind of street name there. Oh, okay, I'm sorry. Okay. Those are the numbers on my house. That's your zip code. The numbers on your house should only be 3 digits. Finally, she reads the correct address, but is panicking, not knowing whether her parents can look out a window and see her. Are you in a corner right now? I might be. Is there a street sign? Is there a pole with two names at the top? I just see a stop sign. Okay, can you go over and stand right at that stop sign? Yes. The reason I ran away from home was because the chains were making places and they would wake up at night and they would start crying. And they wanted me to call somebody and tell them. And so I wanted to call y'all so y'all could help my sister. Do you think anybody in the house will need to go to the hospital?
I'm not sure. Sometimes we live in filth, and sometimes I wake up and I can't breathe because how dirty the house is. We never take baths. When was the last time you had a bath? What? When was the last time you had a bath? Almost a year ago. Do you know if your parents keep any kind of weapons in the house? I think that my father has a gun. Have you seen the guns? No, but they've talked about it. The dispatcher knows if this girl with the strange cadences and vocabulary hangs up or the call drops, there's no way to get her back. Her old phone has been disabled. It can only call out to 911. So the dispatcher tries to keep her talking. Do you know what your dad's name is? Mrs. Turpin? I don't know much about my mother. She doesn't like us. She doesn't spend time with us ever. How did you get this phone that you have? It was a phone that my brother had that he was going to throw away. And I had to have a way to contact somebody like you. So I got it so I could call 911. And you guys don't have any friends or anybody who comes over to the house? Hi. Okay. Okay. Is that the deputy? Okay. Yes. Go talk to him, okay? Yes. Alright, bye-bye. Hi, Jordan. You are looking at the body camera footage from the deputy as he arrives. Hi, what's going on? Moving into frame, the skittish girl who has to convince this stranger her story is real. We come back. Those photos, the body cam footage. आपने देखा होगा कि इस ऑडियो में इसकी जो आवाज है जॉर्डन की, ये काफी बच्चों जैसी है, यानी कि इतनी बड़ी होने के बावजूद, 17 साल की होने के बावजूद इसका बहुत कम विकास हुआ था और इसकी आवाज़ बिल्कुल बच्चों जैसी थी। खैर, फाइनली पुलिस वहाँ पर पहुँची। जॉर्डन ने एक बहुत समझदारी का काम किया था कि उसने अपने घर की सारी फ़ोटोज़ एंड वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड कर ली थी उसी पुराने फ़ोन में, और जब पुलिस आई तो उसने सारी फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ पुलिस को दिखाई, जो कि बाद में भी बहुत ज़्यादा काम आई और इन दोनों के खिलाफ बहुत बड़ा सबूत बनी, डेविड और लुइस के खिलाफ। जब पुलिस वहाँ पहुँची तो उसने जाकर डोर नॉक किया, और जब डेविड ने दरवाज़ा खोला तो उसे बताया गया कि एक जनरल वेलफेयर चेकिंग है जो कि हम पड़ोस में भी करके आए हैं और आपके यहाँ भी करनी ज़रूरी है। उसके बाद उन्होंने जॉर्डन की बताई जगहों पर तलाशी लेनी शुरू की। जब वो अंदर पहुँचे तो उनकी बहुत बुरी हालत हो गई, वहाँ का कूड़ा कबाड़ा देख के बहुत ज़्यादा गंदगी, बहुत ज़्यादा बदबू थी, वहाँ पर खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। और जॉर्डन ने भी पुलिस को अपनी कॉल में बताया था, 911 की कॉल में, कि जब वो सुबह उठती है तो इतनी ज़्यादा बदबू आती है कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है, और कुछ वैसे ही हालात थे उस घर के अंदर। सबसे पहले उन्होंने उन 13 बच्चों को, यानी कि अब 12 ही रह गए थे, तो उन 12 बच्चों को चेक किया, बच्चे अंदर मिल गए, उनकी बहुत बुरी हालत थी। सबसे पहले तो पुलिस ने उन्हें अपनी कस्टडी में ले लिया, बच्चों की हिफाजत करनी सबसे पहले ज़रूरी थी। उसके बाद वो सारे बच्चों को लेकर पुलिस स्टेशन आई, वहाँ पर उनसे पूछताछ की गई, लेकिन बच्चों को कुछ भी पता नहीं था। उनको ये भी नहीं पता था कि लोग दुनिया में कितनी बार खाना खाते हैं, वो किस तरह से रहते हैं, उनको इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। उन्हें ऐसा लगता था कि शायद हर कोई ऐसे ही रहता है। इन बच्चों की दिमागी हालत भी ठीक नहीं थी, इनका IQ भी काफ़ी कम था। एक बच्चा जो कि 18 साल का था, लेकिन वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, इतनी बुरी उसकी हालत थी। बहुत ही माल न्यूट्रिशियस हालत में उन्होंने अपने बच्चों को रखा हुआ था। फिर पुलिस ने इन बच्चों को हॉस्पिटल ले जाकर इनकी मेडिकल जांच कराई, तो ये पाया एक्सरे में कि इन बच्चों की जो रीढ़ की हड्डियां थी वो एक तरफ मुड़ी हुई थी, यानी कि वो नॉर्मल नहीं थी। हालांकि वो ठीक हो जाएंगी, ऐसा नहीं है कि वो ठीक नहीं हो सकती, लेकिन उनको ठीक होने में समय लगेगा। इसलिए इन्हें रेस्क्यू करके 6 महीने तक हॉस्पिटल में रखा गया, इनका इलाज कराया गया। इन सबकी हालत बिल्कुल मरणासन स्थिति में थी, अगर कुछ समय तक और ये ऐसा रहते तो पता नहीं उनमें से कितने बच्चों की डेथ हो जाती। ये अभी तक अपनी बेसिक लाइफ जीने के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि इनको कुछ भी पता नहीं है, पढ़े लिखे भी उतने नहीं हैं, बस उनको बेसिक ही नॉलेज है, अक्षर ज्ञानी है। तो अब ये अपनी बेसिक ज़िंदगी जीने के लिए लड़ाई कर रहे हैं अपने आप से ही, और अब इनको समाज में भी अपना स्थान खुद ही बनाना पड़ेगा। इनके माँ बाप ने कोर्ट में ज़्यादातर चीज़ों से इनकार कर दिया। इन्होंने कहा कि हम तो अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, हम तो सोच भी नहीं सकते कि हम अपने बच्चों को तकलीफ दें या इन्हें भूखा रखें, लेकिन बच्चों की स्थिति देखकर इनकी बात सुनने या माननी है या नहीं माननी है इसका कोई गुंजाइश ही कहाँ रह गई थी, जबकि बच्चों की हालत खुद ही सब कुछ कह रही थी कि इनके माँ बाप ने इन्हें कैसे रखा हुआ है। इसलिए कोर्ट ने इनकी बातों पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। कुछ बातों से इन्होंने, मतलब ज़्यादातर बातों से इन्होंने इनकार किया, लेकिन कुछ बातों के लिए इन्होंने सॉरी भी बोला। इनके ऊपर 14 तरीके के धाराएँ लगाई गई,
अप्रैल 2019 में फैसला आया और इन दोनों मियां बीवी को 25-25 साल की सजा हुई, कैद की सजा हुई। 22 साल तक इन्हें पैरोल भी नहीं मिल सकती, 22 साल के बाद ही इन्हें पैरोल मिलेगी। इनके कुछ बच्चे तो इनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं और कुछ थोड़ा कम नाराज़ हैं। एक बेटी का ये बयान आया कि मैं अपने माता पिता को बहुत प्यार करती हूँ, ये हमें पालने का सबसे अच्छा तरीका तो नहीं था, लेकिन आज मैं जो भी इंसान हूँ वो इन्होंने ही बनाया है, क्योंकि इन बच्चों को शायद पता ही नहीं है कि इनकी क्या बेसिक राइट्स हैं। एक बच्चे ने बताया कि हमें जंजीरों से बांधकर पीटा जाता था, इस तरह की बयान बहुत सारे बच्चों ने दिए हैं। जो पिता था डेविड, उसने वकील के माध्यम से कहा, क्योंकि वो कोर्ट में रो रहा था और वो बोल नहीं पा रहा था, तो उसने अपने वकील के माध्यम से कहा, मैंने सही मंशा से घर पर शिक्षा देने और अनुशासन सिखाने का प्रयास किया, मैं अपने बच्चों को हानि नहीं पहुंचाना चाहता था, मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करता हूं और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे भी मुझे प्यार करते हैं। लुईस ने भी कोर्ट में रोते हुए और माफ़ी मांगते हुए कहा, मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हूं और उम्मीद करती हूं कि मुझे उन्हें देखने, गले लगाने और उन्हें सॉरी बोलने का मौका मिलेगा। कोर्ट में जब जज ने उनके स्वार्थी, क्रूर और अमानवीय व्यवहार की निंदा की, तो दंपत्ति के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, ऐसा लग नहीं रहा था कि उन्हें अपना व्यवहार क्रूर लगता था। जज ने ही उनके घर को हाउस ऑफ हॉरर की संज्ञा दी, उनके घर को यह नाम दिया और तब से इसके घर को इसी नाम से जाना जाता है। इनके कई सारे बच्चे हैं जो कि अब ठीक तरीके से सेटल हो गए हैं। इनके कुछ बच्चों को, जो छोटे वाले बच्चे थे, 5 बच्चे, उनको कई लोगों ने गोद भी लेने की पेशकश की। कई बार ये लोगों के घर में गए भी, क्योंकि वहाँ पे एक प्रचलन है कि जब माँ बाप ठीक नहीं होते तो इनके बच्चों को गोद दे दिया जाता है, तो गोद भी दिया गया, लेकिन उसमें भी कई तरह के विवाद हुए। कई सारे जो पेरेंट्स थे इनके बाद में, उन्होंने इन बच्चों के साथ ठीक व्यवहार नहीं किया और उनको वहाँ से भी रेस्क्यू करना पड़ा, तो ये बेचारे अभी भी अपनी ज़िंदगी जीने के लिए लड़ ही रहे हैं। तो इस कहानी से हमें पता चलता है कि इस तरह के माँ बाप भी होते हैं, तो हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी है हमें उसकी कद्र करनी चाहिए, यहाँ तक कि अगर हमें 2-3 टाइम खाना भी मिल रहा है तो वो भी एक बहुत बड़ी बात है, एक अच्छी बात है। अमेरिका जैसे देश में रहते हुए भी ये बच्चे भुखमरी का शिकार रहे, एक अच्छे खासे माँ बाप के होते हुए भी इनकी ये हालत रही, तो हमारे पास जो कुछ भी है हमें उसके लिए कृतज्ञ होना चाहिए। आप लोग जो भी स्टोरीज मुझे सजेस्ट कर रहे हैं, मैं धीरे धीरे उस पर काम करती जा रही हूँ और जल्दी वो स्टोरीज आपके सामने आएंगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको शाउट आउट दूँ, तो प्लीज़ आप अपना नाम भेजिए और लिखिए कि शाउट आउट, तो मैं आप लोगों का नाम लेकर बुलाऊँगी। जब भी आप लोग मुझे अपना नाम लेने के लिए कहते हैं, तो उस समय मेरे 2-3 वीडियो ऑलरेडी बन चुके होते हैं और कई बार उससे भी ज़्यादा वो पब्लिश के लिए तैयार होते हैं, तो मैं उन वीडियोज़ में आपका नाम नहीं ले पाती हूँ। लेकिन आप लोग विश्वास रखिए कि मैं जल्दी ही आपका नाम लिया करूंगी, 4th, 5th, 6th जिस भी वीडियो में लूंगी, मैं लूंगी ज़रूर। आप ये मत सोचिएगा कि आपके मैसेजेस मैं नहीं पढ़ती हूँ, मैं आपके सारे मैसेजेस पढ़ती हूँ। आप लोग मेरे लिए सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल हैं और इसी तरह अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखिए। थैंक यू सो मच।